तो एस वेरिएंट के अंदर आता था हमारा ये वाला पैनल। अब हम इसको थोड़ा सा टॉप मॉडल बना रहे हैं। जो बेस वेरिएंट में आता था वो प्रॉपर ब्लैक आता था, तो इसको टॉप मॉडल जो S11 है उसमें कन्वर्ट करने के लिए इसमें ये भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी TRL जल चुकी है। ओके, अब अपने इस लोड वाला ग्लास ले लीजिए। तो ये अपना वाइपर देख सकते हैं वर्क कर रहा है विद स्प्रेयर। ये देख सकते हैं बार विंडो कंट्रोल हो रहा है अपने राइट साइड डोर से। और ये देख सकते हैं अंदर जो पुलिस फ्लैशिंग लाइट है वो भी इंस्टॉल कर रखी है। क्लासिक वाला ही है। ओके, टॉप मॉडल वाली। हाँ, तीन बल्ब वाली। हेडलाइट बजट नहीं था इसलिए नहीं लगा, वो भी क्लासिक की जो आप स्क्वायर वाली देखते हैं। इसके अंदर हमारा मीटर भी है। ओके, अपना BS6 वाला मीटर। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जे ऑटो अपने साथ है। बढ़िया भैया, आज क्या दिखाने वाले हैं? तो आज अपने चैनल पे स्कॉर्पियो क्लासिक दिखाऊंगा। ओके, स्कॉर्पियो क्लासिक 700 बहुत देख लिए, बहुत 700 देख लिए, अब स्कॉर्पियो की बारी है। स्कॉर्पियो की नहीं बारी है, थोड़ी सी स्कॉर्पियो वाले के भी। ओके, स्कॉर्पियो वाले भाइयों के लिए भी कुछ नया हम लेके आएंगे। तो ये अपने पास आज आ रखी है क्लासिक। हमारे चैनल में पहली बार देखोगे क्लासिक? हाँ, इस चैनल में पहली बार देखोगे। आगे व्लॉगर रमान में तो आप देखते ही आ रहे हो। आप लोगों के रमान वाले भाई के चैनल में देखते आ रहे होगे क्लासिक की। हमारे में पुरानी वाली तक थी, हमने शो कर रखा था S5 वाला वेरिएंट। आज हम आपको क्लासिक दिखाएंगे। S है ये? क्लासिक S है। ये बम्पर पेंट नहीं है, देख सकते हो। भाई कह रहा है कि बम्पर पेंट बाद में करवा लेंगे। ओके, वैसे अपने पास अवेलेबल है, पेंट होके मिल जाएगा। पेंट के लिए ज़्यादा रुकना पड़ जाता है, 3-4 दिन वेटिंग हो जाती है। ओके, 3-4 दिन की वेटिंग हो जाती है। बाकी फ्रंट से इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं अभी? फॉग लाइट लग गया इसमें। ओके, इसमें भी TRL फिटिंग होगा। ओके, TRL लगेगा अपना जेन्युइन महिंद्रा। हाँ, ग्रिल लगेगा भी। ग्रिल लगेगा। ओके, ग्रिल चेंज हो रही है हमारी। हाँ। ओके, साइड मिरर हो गया। साइड मिरर हमने इंस्टॉल कर दिया, जो कि कंपनी से आता था वो नॉर्मल स्टिक वाला था। ओके, अपना ऑटो एडजस्टिंग मिलेगा। पूरा कपलर टू कपलर फिटिंग है। कपलर टू कपलर है, कुछ भी इधर भी कपलर उधर भी कपलर। ओके, मतलब कपलर टू कपलर फिटिंग आती है। बाकी इसमें और क्या, आज मेन जो चीज होने वाली है इसके अंदर क्या है? ये देख के समझ गए होगे, डोर पैनल खुले हैं और बीच का कंसोल खुला हुआ है। हाँ, तो इससे पावर विंडो शिफ्ट हो रहा है डोर में। ओके, पावर विंडो इसमें जो नॉर्मल गत्ते था वो निकल करके आगे वाला गत्ते लगने वाला दिखा। ओके, अभी बिफोर लुक दिखाते हैं इसमें कैसा था। तो एस वेरिएंट के अंदर आता था हमारा ये वाला पैनल, प्लाई था, देख सकते हो। तो इसको चेंज करने वाले हम टोटली। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा टॉप मॉडल बना रहे हैं। ओके, अब सारे पावर विंडो का ऑप्शन अपने डोर्स में आ जाएगा। ओके, तो इसका बीच का जो पार्ट होता है वहाँ से एकदम खत्म हो जाएगा अपना पावर विंडोज का। ओके, इसको पूरा कवर ही कर दोगे। बोतल होल्डर आ गया ना। ओके, यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। ओके, अपने डोर्स में आ जाएंगे सारे विंडो के कंट्रोल्स। और अपना वाइपर लग चुका है। वाइपर लग गया, जो कि बेस वेरिएंट के अंदर आता नहीं है। अपना वॉशर के साथ आएगा। वॉशर स्पॉइलर लग चुका है। स्पॉइलर अपना जेन्युइन महिंद्रा है। स्पॉइलर की फिटिंग भी देख सकते हो। ओके, तो इसमें एक ऑप्शन और आता है ब्रेक लाइट का, यहाँ पे अंदर लगेगा ना छोटी वाली, हटके लंबी वाली। ओके, इसको चेंज कर देंगे, करेंगे अभी हम। हाँ, सब रखा हुआ है, सब रखा। अपने पास सारी चीजें रखी हुई है। हमारे एस वेरिएंट के अंदर अपने पावर विंडो पावर विंडो आता था। ओके, तो चामुंडा भैया बैठे हैं सबके लिए कि अब टॉप मॉडल बना के ही रहेंगे, बीच से कंट्रोल सब मतलब अपने कंट्रोल कर पाएंगे सारे। महिंद्रा के लिए, सबके लिए। XUV 700 में तो भैया ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। अब जो हमारा नया वर्कशॉप खुलने जा रहा है वहाँ पे महिंद्रा की कोई सी भी गाड़ी हो। ओके, XUV 700 स्कॉर्पियो, XUV 300 हो या थार ले लो, जो भी ले लो। ओके, सबके वहाँ पे सबको टॉप मॉडल बनाओगे, अनलिमिटेड वर्क देखने को मिलेगा। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वर्क दिखाने वाले हैं। बिल्कुल अनलिमिटेड वर्क आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं कि कुछ भी जुगाड़। ओके, जो भी काम होगा आपको कंपनी से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक तरीके से समझ लो कि आप जाके महिंद्रा में चेक करवा लो, कुछ भी अगर इसमें अंदर जुगाड़ होगा। तो चामुंडा भैया बिल्कुल कपलर टू कपलर सारा काम करेंगे वहाँ पे? बिल्कुल कुछ भी नहीं। यहाँ भी पावर विंडो की शिफ्टिंग हुआ था, पूरी कपलर टू कपलर हुआ है, देख सकते हो इधर। देखो, ये देख सकते हैं कोई भी वायरिंग को हार्म नहीं करा हुआ है। ये देखो एक्स्ट्रा वायरिंग कोई भी किया है, बस एक एम्बिएंट लाइट की वायरिंग जा रहा है। ओके, एम्बिएंट लाइट की वायरिंग है, बाकी कोई वायरिंग नहीं है। बिल्कुल एम्बिएंट लाइट की वायरिंग जा रहा है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे अंदर ग्राउंड है, ये देख सकते हो इसके इधर चलाओ, ये देख सकते हैं आप, जो कि बाहर से मोस्टली ये अंदर से, ये देखो
इसके अंदर से ये देख सकते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा कोई कोई लोग लगाते हैं तो बाहर से ले जाते हैं। ये देखो इसके अंदर से वायरिंग आ रहा है, ये देख सकते हैं सारी वायरिंग इसके अंदर से जा रही है, जो कंपनी की आती है उसके अंदर से, कोई बाहर से आपको नहीं। अच्छा तो चामुंडा भैया ये दिखा रहे थे यहाँ पे जो पावर विंडोज का, यहाँ पे ग्लास होल्डर लग जाएगा। अभी मैंने बताया ना कप होल्डर डालने वाला हूँ, बोतल होल्डर, मतलब पहचान में ही नहीं आएगी यहाँ पे कुछ। रेडी होने के बाद हम दिखाएंगे क्या करके दिया इस गाड़ी को। ओके पूरा कम्प्लीट ओवरऑल होने दो काम, उसके बाद दिखाते हैं आपको टोटली चेंज होते हुए एस मॉडल बिल्कुल। सो अभी क्लासिक के ग्रिल में जो क्रोम आता था, जो बेस वेरिएंट के अंदर नहीं आता था, बेस में ये आता ब्लैक। ओके ये ब्लैक आता था, इसको हमने चेंज कर दिया, इसमें महिंद्रा जर्मन ग्रिल लगा दिया जो टॉप मॉडल है। ओके टॉप मॉडल में जो ग्रिल आती है सिल्वर क्रोम के साथ, ओके वो इंस्टॉल करा हमने। दो तरीके का आता है, एक अफ्टर मार्केट होता है जो जो पेस्ट करने वाला होता है, ओके एक पेस्टिंग वाला होता है, जर्मन जो लॉक वाला होता है। ओके लॉक वाला, इस तरीके का लॉक होता है। ओके ऐसे लॉक्स होते हैं, जो बेस वेरिएंट में आता था वो प्रॉपर ब्लैक आता था, तो इसको टॉप मॉडल जो S11 है उसमें कन्वर्ट करने के लिए इसमें ये भी लगा सकते हैं, एक ऑप्शन और है, पूरा ग्रिल चेंज करना नहीं पड़ता, ये लगवा सकते हैं। ओके सो नाइट मोड हो चुका है, अब कितना काम बच रहा है इसके अंदर? इसमें 50% काम बाकी है। ओके 50% अभी और बाकी है, डे वन खत्म हो चुका है, डे टू कल इसमें काम होगा। ओके तो मैं डे टू में दिखाऊंगा क्या क्या होने वाला, डे वन में देख सकते हैं हमारे पूरा पावर विंडो के अंदर शिफ्ट हो चुका है। ओके तो चामुंडा भैया ये जो बीच का कंसोल में था ये सेम वाला स्विच वहीं लगते हैं? हाँ जी। ओके सेम स्विचेस अपने यहाँ आ जाते हैं, जो मेन डोर है ड्राइवर साइड का यहाँ लग जाएगा वही स्विच आपका, और यहीं से कंट्रोल होंगे सारे डोर। और ये सारे कपलर टू कपलर लग चुके हैं। ओके कपलर टू कपलर फिटिंग देख सकते हैं आप, कनेक्शन कल होगा। ओके कल कनेक्शन होगा अपने साइड मिरर्स का। अभी हमारा स्विच लग चुका है, पियानो ब्लैक हो चुका है, ये देख सकते हैं स्विचेस अपने लग चुके हैं। तो ये जो काम है ना, इस काम में 2 दिन लगते हैं। ओके दो दिन लगते हैं इस काम में, तो वीडियो कल भी बना सकते थे, बट आज मैं इसका वीडियो और 2 दिन में इसलिए दिखाऊंगा कि एक दिन में क्या होता है और दूसरे दिन क्या होता है। ओके फर्स्ट डे और सेकंड डे में क्या क्या काम होता है? फर्स्ट डे में जो हमारा काम हो रहा पूरा खुला है, इसका पूरी तरीके से हो चुका। ओके तो फर्स्ट डे हमारा पूरा जो बीच के कंसोल में जो विंडोज का होता है वो पूरा डोर्स में जाता है, सारा ओके शिफ्ट हो गया। काम है वो कल मॉर्निंग में होगा। ओके कल मॉर्निंग में होगा, बाकी का शूट आउट कल दिखाएंगे हम। कल दिखाएंगे, आगे हमारा DRL लग चुका है और हम दिखाई देते हैं नाइट मोड में। ग्रिल भी हमने दिखा दी थी आपको, आगे DRL दिखा देते हैं एक बार। ये देख सकते हैं फ्रंट से DRL लग चुकी है इसके अंदर, अभी DRL जला के दिखाते। तो ये हमारी DRL जल चुकी है, DRL दोनों जल चुकी है। ओके तो चामुंडा भैया इसको ऑप्शन नहीं है वाइट करने का, फॉग लैंप कर सकते हैं वो भैया कल बोलेंगे तो कर दूंगा, नहीं तो फिर पिला ही रहेगा। ओके वो भैया पे डिपेंड करता है कि उन्हें करवाना है काम नहीं करवाना, बाकी DRL अपना हो चुका है। और गाड़ी आया कहाँ से भी देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की गाड़ी रहने वाली है, नंबर भी बड़ा मस्त है 0019। तो बाकी इसमें दिखा दिया हमने, हेडलाइट अपने पास है S11 वाली, ओके न्यू वाली है। ओके वो भी अगर चाहो तो आप ले सकते हो चामुंडा भैया के पास आके, बाकी अभी दिखाएंगे, अब हम डे टू में जाएंगे सीधा। डे टू में हम दिखाते हैं। ओके तो फाइनली आज डे टू है, आज चामुंडा भैया भी कुछ काम कर रहे हैं, तो भैया आप क्या काम कर रहे हो आज? इसके अंदर हमारा डिफॉगर लग रहा है। ओके डिफॉगर लग रहा है, और फाइनली आप देख सकते हैं ग्लास उतर चुका है। ओके अब अपना S11 वाला ग्लास लगने जा रहा है। ओके S11 वाला ग्लास लगते हुए दिखाऊंगा किस तरीके से इसका टेस्टिंग किया गया था, क्या क्या आया था प्रॉपर तरीके से। ओके देखो ना सिलिकॉन काटा गया है, सिलिकॉन कटा दिया है, नया सिलिकॉन पूरा डाला जाएगा, प्रॉपर फिनिशिंग किया जाएगा, उसके बाद ग्लास टेस्ट होगा। ओके तो अब उसमें डिफॉगर ऑप्शन भी आ जाएगा। हां डिफॉगर ऑप्शन भी आ जाएगा। ओके तो अब हम लेके आते हैं वो जेन्युइन महिंद्रा होता है, जेन्युइन महिंद्रा होता है। आपको पावर विंडो करते हुए दिखाया हूँ, आज 2 गाड़ी और हो रहा है, 3 पावर विंडो होते हुए दिखाया। ओके आज 3 गाड़ियाँ और 2 आ चुकी है, 2 और आ चुकी है, ये 3rd गाड़ी है अपनी जो हमने डे टू है, आज डे टू में शूट हुई है, वो दोनों गाड़ी कल जाएगी, पावर विंडो के लिए 2 दिन लगते हैं, 1 दिन लगता है। ओके बाकी इसमें देख सकते हैं वाइपर लग चुका था कल ही, बाकी अभी शीशा लगने के बाद दिखाते हैं। सो फाइनली आज डे टू हो चुका है और आज अपनी स्कॉर्पियो हो चुकी है कम्प्लीट, जो कि क्लासिक वेरियंट है, और इसके साथ एक पुराना वेरिएंट भी खड़ा है S3 Plus जो कि UK से आ रखी है उत्तराखंड। डोर पैनल काम हुआ, इसमें डोर पैनल का काम हुआ है। ओके दोनों में डोर, एक हमारा MP से आया हुआ है जो उधर देख। ओके एक और अपनी आ रखी है MP से आई है गाड़ी, वो देख सकते हैं उसमें भी डोर पैनल का काम चल रहा है। ओके तो इसमें S11 वाले एलॉयज लगे हुए हैं? हाँ ओके लगे हुए हैं, सारा लगा है ना उसमें। ओके अपने पास अवेलेबल है S11 वाले एलॉय? हाँ ओके मिल जाएंगे बिल्कुल। ओके तो फ्रंट से बात करें, इसमें हमने क्या क्या इंस्टॉल करा? जो हमने आपको कल ही दिखा दिया था फॉग लैंप एंड DRL हमने इसके अंदर इंस्टॉल करिए,
अपनी ग्रिल देख सकते हैं, बिल्कुल ये S11 वाला बन चुका है। अब ये मेन काम हुआ, ये हमने आपको लास्ट लुक में D1 में दिखाया था, इंस्टॉल हो रहा था, इंस्टॉल हो चुका था, जो कि कपलर टू कपलर फिटिंग भी दिखाई थी हमने। अब तो साइड का फुटरेस्ट, ओके साइड का फुटरेस्ट लगा हुआ है जो कि S11 वाला है। हाँ ओके, तो इसकी ये जो कोनी होती है ये भी चेंज हुआ ना पूरा। ओके और कल हम लास्ट थे इसमें, सो इंटीरियर की तरफ जाते हैं तो इंटीरियर में क्या चेंजेस करें इसके अंदर। डोर पैनल ये देख सकते हैं, ये रहा बेस मॉडल और यहाँ मिल रहे हैं हमें सारे वर्किंग बटन्स विंडोज के और पूरी एम्बिएंट लाइट के साथ। एम्बिएंट लाइट देख सकते हैं, कल हमने चाउंड भैया यहाँ पोज करा था, यहाँ कोई स्विच नहीं था और आज स्विच आ चुका है। ये रहा अपना साइड मिरर का स्विच बेस वेरिएंट के अंदर, और यहाँ पे हमारा ट्विटर फिटमेंट हो चुका है। ओके ट्विटर फिटमेंट देख सकते हैं, हमने पोर्ट की जगह यूज करते थे इसे। चामुंडा भैया की क्रिएटिविटी देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पोर्ट बना दिया ट्विटर का। और इसके अंदर एम्बिएंट लाइट लगी हुई है अपनी, ऑडियो फीचर का मेटल के इसके अंदर, और अपना इसमें वेलकम लाइट लगा है जो कि मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं स्कॉर्पियो की वेलकम लाइट लगी हुई है इसके अंदर, इंस्टॉल करिए। और भैया बीच का कौन, सबसे पहले तो इसकी वर्किंग दिखा दो एक बार कंट्रोल करके, पावर विंडो की ये देख सकते हैं, पावर विंडो कंट्रोल हो रहा है अपने राइट साइड डोर से। और बैक वाला दिखाते हैं आपको, ये भी कंट्रोल हो रहा है जो कि अब मेन डोर से ही हो जाएगा सारा कंट्रोल, अब यहाँ से नहीं हो रहा। ओके क्योंकि ये लॉक हो चुका है। ओके लॉक भी बटन वर्किंग करेगा, हाँ सारे फीचर्स वर्किंग करेंगे इसके, हो रहा है काम कर रहा है। ओके लॉक फंक्शन भी पूरा अपने कर रहा है। ओके लॉक कर दिया अभी हमने। ओके जैसे हम अनलॉक करेंगे, और ये देख सकते हैं पूरा वर्किंग कर रहा है इसका, तो मतलब सारा बिल्कुल ही टॉप मॉडल वाला फीचर मिल जाएगा, जैसे S11 में आता वैसे ही कंट्रोल मिल जाएगा। दो मॉडल में रहने ही नहीं दूंगा। और सबसे मेन बात, ये अपनी पुरानी स्कॉर्पियो वाला डोर पैनल नहीं है, डिफरेंस दिखा दें। नई मॉडल वाली है देख सकते हो, हमने तो बताना भूल गए, एक कलर देख सकते हो आप, ये पियानो ब्लैक। ओके ये न्यू मॉडल है, ये देख लिया, पुराना वाला दिखा दो। अगर किसी भाई के पास अभी भी S3 है तो आ सकते हैं चामुंडा भैया के पास, तो अभी ये रहा पुराना मॉडल, इसमें दिखाते हैं आपको एक बार डोर पैनल, इसके डोर ये ग्रे शेड आपको दिख जाएगा। ओके इसका टोटली चेंज है, ग्रे दिखेगा, एक ग्रे दिखेगा, ये बिल्कुल कलर डिफरेंट है दोनों की। ओके ये S3 प्लस है अपना मॉडल, हाँ दोनों मॉडल के लिए अवेलेबल अवेलेबल है। बाकी इसके अंदर दिखा देता हूँ आपको, पावर विंडो जो अपना सेंटर में आता था वो चेंज हो चुका है, एक कप होल्डर आ चुका है यहाँ पे, और पावर विंडो कप होल्डर वाला सिस्टम फ्रंट से देख सकते हैं हमने। इसके अंदर जो पुलिस फ्लैशिंग लाइट है वो भी इंस्टॉल कर रखी है, ये एक इलीगल चीज़ है लेकिन अगर आपकी चॉइस है तो आप लगवा सकते हैं, वैसे हमारी तरफ से रिकमेंड नहीं है। तो अब रेयर में चलें, रेयर में क्या कर रखा है? बाकी हमने डोर वाइजर भी तो लगाया इसके अंदर, क्यों भूल रहे हो? डोर वाइजर हम भूल गए, रूफ रेल हमारा, रूफ रेल अपना, स्पॉइलर हो गया हमारा, वाटर स्प्रे वाले ओरिजिनल लगा रखा है, वाटर स्प्रे अभी आएगा दिखाता हूँ चला के, ब्रेक लाइट भी हमारे इसके अंदर, और डिफॉगर वाला हमने लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया। मेन चीज है ये, हमने ग्लास आपको दिखा रखा था चेंज करते हुए, अभी चामुंडा भैया वर्किंग दिखाएंगे एक बार। तो ये अपना वाइपर देख सकते हैं वर्क कर रहा है विद स्प्रेयर, जो कि क्लासिक S वेरिएंट के अंदर आता नहीं है ये फंक्शन। और ब्रेक लाइट देख सकते हैं वो भी टोटली चेंज करी हुई है, तो भैया मतलब पीछे से टोटली S11 का लुक दिया। हाँ ओके, तो पीछे में और क्या चेंजेस करें होंगे इसके अंदर? रिफ्लेक्टर लाइट लगा, इससे ज़्यादा नहीं। ओके रिफ्लेक्टर लाइट इंस्टॉल करी हुई है नीचे हमने, अब अंदर में दिखाता हूँ, कोई बम्पर पट्टा वगैरह कुछ नहीं लगा इसके अंदर, क्योंकि अभी पेंट नहीं है। ओके पेंट नहीं है, बाकी इंटीरियर से दिखाते हैं अब क्या चाहिए। अब आ चुके हैं हम स्कॉर्पियो के इंटीरियर में बेस मॉडल के, तो भैया अंदर से क्या क्या चेंजेस कर दिए? बेस मॉडल मत बोलो इसे, अब बेस तो रहा नहीं है, ये S11 ही है, बस S11 में थोड़ी सी कमी है क्लाइमेट कंट्रोल की और मीटर की। मीटर तो हम डाल ही रहे हैं, मीटर तो हमारे पास है, हम मीटर स्टॉक में भी पड़ा है और हम डालते भी हैं, मान के चलिए ये मॉडल वाला नहीं था। बाकी स्टीयरिंग देख लो पूरी की पूरी, स्टीयरिंग देख सकते हैं आप, ये बेस मॉडल का स्टीयरिंग तो लगेगा, यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ, ये देखो ना स्टीरियो की फ्रेम वगैरह पूरी, स्टीरियो का फ्रेम देख सकते हैं, क्लासिक वाला ही है ये, देखो मैं लाइट लगा के दिखाता हूँ। ओके लाइट कैसे जल रही है, क्या लगा रखा है? 150 वाट की LED है, और ये जादू सिर्फ जियोटो की है। ओके ये देख सकते हैं 150 वाट की LED इंस्टॉल करी हुई है विद कप होल्डर, ये कप होल्डर भी मिल जाएगा इसके साथ आपको अगर ब्राइटनेस चाहिए, रीडिंग लाइट भी है इसके अंदर। ओके टॉप मॉडल वाली, हाँ 3 बल्ब वाली। ओके ये भी इंस्टॉल कर रखा है हमने, ये देख सकते हैं
अगर किसी को भी इंस्टॉल करना, टॉप मॉडल क्लासिक टॉप मॉडल में नहीं आते, पहले के ऐसे लेवल में आता था। पहले वाले मॉडल के अंदर आता था। काफी चीजें कम कर दी है। ओके, काफी चीजें कम कर दिया, कॉस्ट कटिंग महिंद्रा ने ज्यादा कर दी। बाकी देख सकते हैं आप इंटीरियर एक बार दोबारा, अगर आपको भी ऐसा करवाना है तो कहाँ आना पड़ेगा, जय ऑटो आना पड़ेगा। जय ऑटो, इसमें सीट कवर की कमी रह गया है बस। ओके, सीट कवर और आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट आर्मरेस्ट देख सकते हैं आप, जो कि बिल्कुल जेन्युइन वाला आर्मरेस्ट है। किसी को भी अगर, दोनों साइड हमने इंस्टॉल करा हुआ, ये देख सकते हैं, अगर किसी को भी लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो आर्मरेस्ट लगवा सकते हैं। बाकी एम्बिएंट लाइट की क्वालिटी देख सकते हैं डैशबोर्ड में, एक लुक देख सकते हैं आप, काफी अच्छा है। इसमें भैया यही वाला एम्बिएंट लाइट लगता है, K3 भी लग जाती है? K3 नहीं लग पाता। ओके, इसमें नहीं लग पाती, इसमें नॉर्मल एम्बिएंट लाइट लगती है। बाकी इसके अंदर देख सकते हैं, यहाँ से पहले हम पावर विंडोज कंट्रोल करते थे, अब यहाँ से कोई ना आता ही नहीं। हमारा स्टोरेज बॉक्स बन गया है, अभी स्टोरेज बॉक्स बन चुका है अपना। बाकी मैटिंग हमने इसके अंदर कौन से इंस्टॉल करी है, ये 70 ऑटो फीचर के 70। ओके, क्वालिटी देख सकते हैं आप। बाकी इसके अंदर और क्या क्या बदल सकता है? सब कुछ हो जाता है इसके। ओके, एक बार इसका हमने जो ORVM है वो कंट्रोल करके नहीं दिखाया, एक बार दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं, वो आके दिखाता हूँ। ओके, ये वाला दिखाते हैं आपको एक बार, देख सकते हैं लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, अपना प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। और मेन चीज तो चामुंडा भैया, जो इसमें डोर्स होते हैं, इसमें हमने स्विचेस तो एक्स्ट्रा में लगे होंगे ये। अच्छा, ये एक्स्ट्रा पार्ट में लगे होंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ यही आते हैं 4। तो ये वाले पार्ट भी अपने न्यू लगे हुए हैं, सारे स्विचेस टोटली न्यू लगे। पीछे के डोर्स के लिए भी आप देख सकते हैं न्यू लगे, जो लाइट जल रही है, मतलब जेन्युइन महिंद्रा है ये। इस मॉडल को हम जो पहले हमारे पास आता था S5 आता था, वाली मॉडल बन गए डोर पैनल लग के। ओके, डोर पैनल लग के S5, डोर पैनल पहले S5 में आता था, इसमें हाँ S5 हमने बहुत सी वीडियो पहले भी बना रखी थी, पुराने मॉडल स्कॉर्पियो की आपको दिखा रखी है S5 वेरिएंट। हाँ, वही टोटली इसको हमने S5 में कन्वर्ट करा। S11 तक के लिए बस दो चीजें रह रही है इसके अंदर, वो भी जल्दी मुझे लग रहा है चामुंडा भैया लेके आएंगे। ये तो लगा ही रहे हम, तो ये लगा रहे हैं, ये तो लग रहा है, ऑलमोस्ट लग रहा है। बाकी इसका वाइपर का स्विच देख सकते हैं, जो रियर वाइपर हमने ऑन करा, रियर वाइपर का स्विच देख सकते हैं, जो कि ये आता नहीं है इसके अंदर। तो ये भी हमारा जेन्युइन महिंद्रा है, जेन्युइन जो भी काम है जेन्युइन है। बहुत सून हम लेके आने वाले हैं ये वाला, अमान के चैनल में आपको दिख जाएगा, फर्स्ट टाइम इन इंडिया भैया करेंगे जल्दी। बाकी यही सारा काम था स्कॉर्पियो के अंदर, और भी यहाँ पे अगर वो लगाना है बेजल, मैं वो एक भी लग ही चीज पे जिया हूँ, जो करूंगा फर्स्ट टाइम करूंगा। ओके, कॉपी कुछ नहीं करूंगा, कॉपी किसी को नहीं करते चामुंडा भैया, कॉपी मैं किसी को नहीं करता। अगर जो मेरे से पहले कोई चीज एक्टिवेट कर दिया, दिखा दिया, वो काम मैं करूंगा नहीं। चामुंडा भैया सच बोलते हैं, यही सारी चीजें सबसे पहले लाने वाले चामुंडा भैया थे, डोर पैनल स्कॉर्पियो पर। आज के टाइम में भी प्रॉपर फिनिशिंग से, प्रॉपर कपलर टू कपलर, प्रॉपर देखो, ओल्ड इज गोल्ड, सही है, ये बात तो सही है। तो आज बंदा लाए, उसको समझने में ही लग जाएगा तरीके से कम 6 महीने इसको, तब जाकर वो पता चलेगा जो क्या होता है इसके अंदर। अभी तो जो है जुगाड़ करेगा। ओके, लग गया पर अंदर जुगाड़ है। स्कॉर्पियो का काम सब कर रहे हैं, लेकिन जो परफेक्शन है, जो आज से कई सालों से करते हुए आ रहे हैं, वो चामुंडा भैया कर रहे हैं। सब नहीं कर रहे, सब रोड पे गाड़ी पे कर रहे हैं, आ जाओ जी आ जाओ, कहाँ जा रहे हो, मेरे पास रुको, मैं कर दूंगा काम। तो भैया जो ऐसे रोकते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? भैया रोकते तो है, हमारे खिलाफ बहुत भड़काएगा बाहर रोड पे आपको, बट उनसे बच के आओ, क्योंकि वो रोक लेगा आपको, फिर बाजार में भटक भटक के सामान इकट्ठा करेगा और पूरा काम फिर भी नहीं हो पाएगा। लास्ट में बोलेगा सॉरी भैया डोर पैनल का काम नहीं हो पाया आपका, तो सॉरी भैया ORVM नहीं हो पाया, सॉरी भैया ये सामान नहीं मिल पाया आपको। तो लास्ट में ऐसे निराश होकर के ही जाओगे। ऐसा इंसिडेंट बहुत बार देखा है, कस्टमर कहीं और चले जाते हैं, आपको रोड पे रोक के पकड़े, वो बोले ना कि भैया मैं महिंद्रा जनरल पार्ट आपको सस्ता दूंगा, तो बोलो ऑन काउंटर सारा सामान रख दे इस गाड़ी का, ऑन काउंटर अपनी दुकान से निकाल के रख दो और उसके बाद काम चालू करो। ओके, ये बात सच है कि ये नई गाड़ी खुलवा दी, म्यूजिक सिस्टम लगने लगा, सीट कवर लगने लगा, काम चालू हो गया, बंदा भाग रहा है कूद रहा है, 2 दिन रुक गए काम नहीं हुआ, तो काफी यहाँ पे दिक्कत हो रही है। करोल बाग मार्केट है तो
थोड़ा सा संभल के है। ओके, तो मतलब कुछ ऐसे होंगे जो खराब करते हैं नाम करोल बाग का, उसके वजह से करोल बाग मार्केट को खराब मत समझो, ये मत सोचो करोल बाग मार्केट उससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड नहीं होके जाता और पूरा बोलता है करोल बाग की बेकार है, वहां जाके बेकार काम होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप गलत जगह जाओगे तो बेकार काम होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो हम दिखाते हैं वही आपको काम यहाँ आके मिलेगा। कस्टमर का रिव्यू भी दिलाएंगे हम लास्ट में कि कैसा लगा उन्हें काम। और इसमें हम ये भी चेंज कर सकते हैं सिल्वर वाला, तो करते हैं वो तो कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी बजट कम था भाई, मेन आया था इसी काम के लिए, मेन डोर पैनल का काम के लिए आ रही है। हाँ। डेली अपने पास क्लासिक आ रही है डोर पैनल के लिए, मेन डेली आ रहा है। ओके, बट जो भी भाई आए फोन करके अपॉइंटमेंट ले करके, फोन करके अपॉइंटमेंट ना कि आने के बाद भी मेरा डोर का काम है। आप बहुत दूर से अगर ट्रैवल भी करके आ रहे हो एक बार अपॉइंटमेंट ले लो, अपॉइंटमेंट लेकर आके डोर के लिए या बाकी भी कोई काम के लिए टाइम लेकर के। ओके, बाकी यही थी आज की वीडियो, हमने दिखा दी आपको कम्प्लीटली क्लासिक एस। होप सो आपको अगली वीडियो में कुछ और भी स्पेशल दिखा पाए, सीट कवर इंटीरियर से रिलेटेड। नहीं, अब कुछ भी अगली वीडियो में दिखाऊंगा, अपना नया वर्कशॉप पे दिखाऊंगा। ओके, अब कुछ नए वर्कशॉप पे हम दिखाएंगे, उसकी झलक भी आपको 1-2 तारीख से मिलने लग जाएगी वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो अभी हमने जो स्कॉर्पियो दिखाई थी, जो उसमें 2 चीज की कमी थी हमने नहीं आगे हेडलाइट। ओके, जो आप देख सकते हैं हेडलाइट भी अवेलेबल है, बजट नहीं था इसलिए नहीं लगा, वो भी क्लासिक की जो आप स्क्वायर वाली देखो, ये देख सकते हैं इसका प्रोजेक्टर अलग आता था। हाँ, स्क्वायर वाला। ओके, इसमें DRL फंक्शन भी होता है। हाँ, DRL फंक्शन भी है। ओके, और इसके अंदर हमारा मीटर भी है। ओके, अपना BS6 वाला मीटर। हाँ, BS6 वाला मीटर। ओके, टॉप मॉडल वाला। इसमें लाइट चेंज होती है? हाँ, ब्लू। ओके, ब्लू लाइट होती है, ये भी अवेलेबल है स्टॉक में, लगवा सकते हैं बिल्कुल। तो इन स्टॉक है, आप लगवाना हो फोन करके आ सकते हैं। ओके, ये दोनों चीज़ भी अवेलेबल है, अगर किसी भाई को लगवाना है तो लगवा सकते हैं। सो फाइनली हमने आपको दिखा दी क्लासिक तैयार हुई हुई, जो कि बेस वेरिएंट था। तो अपने साथ ओनर है, उनसे जानते कि वो कहाँ से आए हैं। तो भैया आपका नाम सबसे पहले? तो मेरा नाम राहुल है। ओके, जम्मू से आया हूँ। ओके, तो जय ऑटो के बारे में आपको कैसे पता लगा? यूट्यूब के माध्यम से देखा था इसको। ओके, उसके बाद हमने इसकी थोड़ी स्टडी की। ओके, फिर हमने उसमें से निकाला कि बेस्ट कौन सा है। ओके, बेस्ट के बाद कुछ उसके बाद देखने के बाद उनसे हमारा कॉन्टेक्ट हुआ, और इन्होंने हमें जो हमारी इनके साथ मीटिंग हुई उस पर जो आगे इन्होंने हमें टाइम दिया। ओके, उस टाइम पे हम यहाँ पे आए। ओके, तो यहाँ आके आपको सारे जेन्युइन पार्ट्स मिले महिंद्रा? पार्ट्स तो सारे जेन्युइन थे। ओके, लेकिन उसमें थोड़े से हमें थोड़ा सा डाउट था कुछ चीज़ों का, पर वो काम करवाने के बाद हमें क्लियर हो गया कि नहीं, यहाँ पे काम जो होता है जेन्युइन होता है। ओके, तो आपकी तरफ से अगर मैं बात करूं, सेटिस्फाइड हैं आप फुल? हम बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड। तो भैया आपकी तो थी बेस मॉडल, तो आपके पार विंडोज थे सेंटर में जी। आपके डोर्स में हो गए जो कि S11 में आते हैं जी। तो बिल्कुल वैसे ही परफेक्शन से हुआ S11 वाला, बिल्कुल कंपनी फिटेड हुआ है। ओके, कंपनी फिटेड हुआ। मेन पर्पज इनका यही था, बाकी काम तो वहीं पे करा लेते करे, हमारा मेन पर्पज यही था यहाँ आने का। 2 दिन का टाइम बोला था हमारे भैया ने, 1 दिन का बोला था कर देना। ओके, तो इस काम के लिए 2 दिन तो लगते ही हैं। 2 दिन का जो भी पावर विंडो का काम होता है 2 दिन का टाइम लेके आना। हमारी कोशिश रहती है 1 दिन में हो जाए, मगर 2 दिन में होता है काम। ओके, तो रेटिंग की बात करूँ 10 में से आप कितनी दोगे? भैया पहले तो जिस हिसाब से सोच रहे थे पर उससे अच्छा हुआ है। Okay. रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 10 ही देंगे पूरे 10। गाड़ी खुलती है ना भैया को लग रहा है यार होगा नहीं होगा, टाइम लगता है क्योंकि सारा काम सब सिस्टम के हिसाब से होता है। Okay. कभी कोई लड़का पावर विंडो लगाता है, फिर कोई वायरिंग डालता है, कोई सीटर वाला आता है, तो उन्हें लग रहा था काम कैसे हो रहा है। ओके, हमारे सिस्टम से जिसका जो काम है वही करता है। ओके, फर्स्ट टाइम भैया ने करवाया होगा शायद मेरे ख्याल से कि बिल्कुल ही टॉप मॉडल में कन्वर्ट, तो तभी भैया थोड़े घबरा गए होंगे स्टार्टिंग में। तो आपकी तरफ से जम्मू से कोई वीडियो देख रहा है तो आपकी तरफ से रिकमेंड है कि आके काम करा सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि आप जे ऑटो में आए और अपनी गाड़ी की जो है कन्वर्जन वो यहाँ से करवाएं। ओके, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं तो खुद फुली सेटिस्फाइड हूँ, और आप भी एक बार आके यहाँ से काम करवाएं। ओके, थैंक यू। बाकी यही थी अपनी वीडियो आज की। बाकी सोनू भाई कुछ कहना चाहोगे 10 मार्क्स? कई लोग जैसे बोल देते हैं कर देते हैं काम, हम करके दिखाते हैं, कोई कर नहीं पाता, पावर सब बुला तो लेते हैं मगर कर नहीं पाता, टाइम एक एक महीना लगा देते हैं मगर नहीं हो पाती। बाकी हमारी कोशिश रहती है 1-2 दिन में करके देना फाइनली। ओके, बाकी आपने ब्लॉगर अमान के चैनल में देखा ही होगा स्कॉर्पियो कन्वर्जन की, और देख भी सकते हैं, और भी वीडियोस डली होगी अमान के चैनल में, आप विजिट कर सकते हैं उसके चैनल में, उसी में डली है स्कॉर्पियो की मैंने। तो यही थी आज की वीडियो, तो इसको एंड करते हैं अब यहीं पे ही। हमने दिखा दिया आपको स्कॉर्पियो तैयार करी हुई, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।